दोस्तों इसी तरह टैक्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे आप जरूर दबाएं और साइड में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल डिश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव फोन के एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसको आपके लाइव फोन में कभी मत ऑन करना है दोस्तों। मतलब इस जो सेटिंग के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उसे आप कभी भाई ऑन नहीं करिएगा, यानी मतलब इनेबल नहीं करिएगा अपने फ़ोन में दोस्तों। मतलब लाइव के फ़ोन में कभी भी ये सेटिंग को इनेबल नहीं करिएगा, नहीं दोस्तों आपको बहुत भारी परेशानी हो सकती है, जिसके कारण से आपका फ़ोन भी हैंग हो सकता है और आपका फ़ोन बहुत स्लो काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही सेटिंग के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको अंतिम तक देखना होगा दोस्तों। अगर आपके पास लाइव फ़ोन है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तब भी ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, अपने फ़ोन में जाइएगा तो आपको एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम दोस्तों टॉक बैक सेटिंग है। ठीक है दोस्तों, यह सेटिंग आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, यह सेटिंग उन लोगों के लिए है जो कि दोस्तों अंधे हैं, यानी ब्लाइंड है, जिनके आंखों की रोशनी नहीं है, उनके लिए ये सेटिंग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यह सेटिंग के बारे में अगर अधिक चर्चा करता हूँ दोस्तों, ये सेटिंग यह कहलाता है, यानी कि अगर आप ये सेटिंग को ऑन करते हैं तो कोई भी जिसे यहाँ पर देख सकते हैं वह एप्लीकेशन, जैसे अब मैं यहाँ पर व्हाट्सएप जिसे ओपन करूँगा, जैसे मैं टच करूँगा व्हाट्सएप, तो वो पहले व्हाट्सएप बोलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद व्हाट्सएप ओपन होगा, पहले दोस्तों बोलेगा उसके बाद वो ओपन होगा। ये मतलब समझ लीजिए दोस्तों, ये ब्लाइंड लोगों के लिए मतलब एक तरह का जो ऑप्शन दिया गया, यानी ये सेटिंग दिया गया ब्लाइंड लोगों के लिए दिया गया, जो कि नहीं देख सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए पहले उसको एक बार दबाकर सुन लीजिए, यानी जो ब्लाइंड लोग हैं उसे सुन लीजिए, उसके बाद डबल क्लिक करिएगा तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोस्तों देख सकते हैं तो ये सेटिंग आप कभी भी अपने फ़ोन में मत ऑन करिएगा, नहीं तो आपको बहुत भारी पछताना पड़ेगा दोस्तों। जैसे मैं आपको एक सेटिंग ये सेटिंग के बारे में बता देता हूँ, तो जैसे ही आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाइएगा दोस्तों, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको एजिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फर्स्ट में दिख जाएगा टॉक बैक पर आप जैसे ये क्लिक करिएगा, ये ऑफ हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे आप अगर ऑन कर दीजिएगा, अगर आप देख सकते हैं तो आपको बहुत भारी परेशानी हो जाएगा दोस्तों, आपका फ़ोन स्लो काम करने लगेगा, जिसके कारण से आप अंधे जैसा महसूस करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर आप देख सकते हैं तो इसे कभी भी अपने फ़ोन में ऑन नहीं करना है, आप ये दिमाग में रख लीजिए कि इस सेटिंग को हमें ऑन नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, यानी इनेबल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जो अंधे लोग हैं दोस्तों, जो नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते, उन लोगों के लिए ये सेटिंग बहुत ही काम का है दोस्तों, मतलब ये फ़ोन में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही कुछ भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो एक बार बोलेगा फ़ोन के द्वारा, यानी मोबाइल के द्वारा बोलेगा एक बार, फिर उसके बाद डबल क्लिक करेगा तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से वो आप टच करके मतलब स्पीच आएगा दोस्तों मोबाइल के द्वारा, जिसके कारण से वो सुन सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये मतलब ये सेटिंग दिया गया अंधे लोगों के लिए, इसलिए आप इसे ज़िंदगी में कभी भी ऑन नहीं करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा ये सेटिंग बहुत ही ख़तरनाक सेटिंग है, अगर आप देख सकते हैं तो इसे कभी भी ऑन नहीं करिएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप इस वीडियो को मतलब पसंद आया दोस्तों ये वीडियो, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर फैला दें, फेसबुक पर फैला दें, जरूर आपका सोशल अकाउंट होगा दोस्तों उस पर आप जरूर फैला दें ये सब वीडियो दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी जानकारी मिले। ठीक है दोस्तों, और अगर इसी तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, लाल जैसा लिखा हुआ सब्सक्राइब का, उसे आप जरूर दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूं, इसलिए नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे आप जरूर क्लिक कर दें, और साइड में बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए।